Assalamu alaikum, dear students. It is class 11th, and our today's topic is a relationship between directive principles and fundamental rights. So, as we have already gone through the topic. Difference, what is difference between fundamental rights and directive principles. तो हमने इससे पहले भी directive principles और fundamental rights को अच्छी तरह से पढ़ा है. तो आज हम ये कहने जा रहे हैं आपको कि relationship क्या है, relation क्या है between directive principles and fundamental rights. So both fundamental rights and directive principles are complementary to each other. Complementary क्या हो गया, यानी कि एक दूसरे से इनका बहुत ही, यहाँ पे इसका ये मतलब है कि बहुत ही मेल जोल है. लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो है, इट प्रोहिबिट द गवर्नमेंट फ्रॉम डूइंग सर्टन थिंग्स वाइल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कॉल अपॉन द गवर्नमेंट टू टेक इनिशिएटिव. यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो है ये गवर्नमेंट को एक तरह से प्रोहिबिट करता है कुछ चीज़ों को करने के लिए, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो कुछ चीज़ों को गवर्नमेंट को एक तरह से एक डायरेक्शन दे रहा है कि इस इनको करने के लिए आप कुछ इनिशिएटिव ले लें. तो फंडामेंटल राइट्स क्या है, फंडामेंटल राइट्स जो है ये प्रोटेक्ट, इट प्रोटेक्ट लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल वाइल डायरेक्टिव प्रिंसिपल एनश्योर सोशो इकोनॉमिक जस्टिस. यानी कि फंडामेंटल राइट्स, जैसा कि इसका ये नाम से ही पता चलता है, ये बुनियादी राइट्स जो है, ये एक आदमी का या एक इंडिविजुअल के लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है, इसके हुकूक को प्रोटेक्ट करता है. और डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है ये इसके सोशो इकोनॉमिक जस्टिस को एंश्योर करता है. यानी कि एंश्योर का मतलब है इसको ये यकीनी तौर पर आगे बढ़ाता है. So this is the main relationship between the directive principles and fundamental rights. ऐसे भी कहीं कहीं हो रहा है कि दोनों प्रोविजन जो है ये एक दूसरे से आपस में कन्फ्लिक्ट भी हो रहा है. यानी कि दे आर इन कन्फ्लिक्ट इन सर्टन पॉइंट्स और सर्टन थिंग्स एंड कंट्राडिक्ट ईच अदर. आपस में एक दूसरे के को कंट्राडिक्ट करते हैं, यानी आपस में तजाद रखते हैं. मिसाल के तौर पर द अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम हैड लेड टू अ कंट्रोवर्सी ऑन द वायलेशन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी. यानी कि जमींदारी सिस्टम जो है इसका जो खात्मा हुआ, इसने क्या किया, इट लेड टू कंट्रोवर्सी, एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई कि जो राइट टू प्रॉपर्टी का जो एक्ट है जिसको हमने पहले भी पढ़ा, तो इसको क्या करता है, अगर हम इस चीज़ को जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश करें, और यही एबॉलिश करने के साथ साथ ये वायलेट हो रहा है, क्या वायलेट हो रहा है, राइट टू प्रॉपर्टी, जो हमारा बुनियादी हुकूक है, जैसे कि हमारे पास बाकी हुकूक है, राइट ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू लिबर्टी, तो इसको ये वायलेट करता है. लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इसने एक गवर्नमेंट ने एक स्टेप ऐसा उठाया है कि इसने कीपिंग इन माइंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोशो इकोनॉमिक जस्टिस. यानी कि दोनों को उसने आगे बढ़ाने की कोशिश की. गवर्नमेंट के पास जितनी भी वसाइल है, इसने स्टेट पॉलिसी जो है इसने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को भी आगे बढ़ाने की कोशिश की, और सोशो इकोनॉमिक जस्टिस को भी इसने भी एंश्योर कर लिया. सो द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी जो है, जो कि दोनों जो है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये एक तरह से आप समझ लीजिए इसको कि एक लॉजर हेड्स है, और कोर्ट जो है, इसने क्या किया, इसने इट हैड आर्ग्यूड कि फंडामेंटल राइट्स जो है दे आर द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और they are the part of the basic structure of the constitution, or they and it cannot be altered. yani ki isko basic fundamental rights jo hai, jitne bhi fundamental rights hai, inko constitution mein khas haisiyat hasil hai,
और उनको ऑल्टर नहीं किया जा सकता, यानी कि इनको तब्दील नहीं किया जा सकता। और इसके साथ साथ दूसरी तरह ऑन द सेम टाइम गवर्नमेंट हैड क्लाइमड कि राइट्स जो है कभी कभी ये हिंड्रेंस भी बनते हैं। कहाँ हिंड्रेंस बनते हैं? इन द वेलफेयर ऑफ द पीपुल एंड हेंस कैन बी एब्रोगेट। यानी कि कहीं कहीं हमें कई कई बार ऐसा भी लगता है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं कहीं कहीं ये इसको इसका क्या होता है, इसको ये वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल जो है ये इसको आगे ले जाने में कहीं हिंड्रेंस बनाता है, यानी कि इसको ये दिक्कत पैदा करता है। और इस तरह से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 31 C जो है वहां पे लिखा हुआ है कि लॉज मेड टू इंप्लीमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स शैल नॉट बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड बाय द कोर्ट्स ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्टिकल 14 एंड 19 ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यानी कि आर्टिकल 31 C जो है इसने हमें ये कहा इसके हिसाब से कि जो भी लॉज है जिनको कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दे शैल नॉट बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, यानी कि इनको अब खत्म नहीं किया जा सकता है कोर्ट के जरिए। और इसी तरह से आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 जो है फंडामेंटल राइट्स जो हमारे पास है इसी तरह से इनके मुतालिक भी इनका इनमें जिक्र है। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैव प्रेसिडेंस ओवर द फंडामेंटल राइट्स, यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का इनके ऊपर प्रेसिडेंस है। प्रेसिडेंस का मतलब हो गया सबकत हासिल है इनको इनके ऊपर। सो इट इज ऑब्वियस दैट एन अनरिजनेबल एब्रीगमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स वुड बी अवॉइड वुड बी वाइड वाइल एनी स्टेट एक्शन मेंट सिंसियरली टू इम्प्लीमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स शैल बी गिवन ड्यू कंसिडरेशन इट्स इफेक्ट्स ऑन फंडामेंटल राइट्स नॉट विदस्टैंड। सो जितनी भी कंट्रोवर्सी हमारे पास है, कंट्रोवर्सी को एक ध्यान में रखते हुए, कंट्रोवर्सी को ध्यान में रखते हुए हमारे पास अब ये गोल है कि दोनों को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स एक दूसरे को कन्फ्लिक्ट में ना लाते हुए दोनों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि जो वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल है इसको हम पूरी तरह से यकीनी तौर आगे बढ़ाएं। सो दिस इज सफिशिएंट एंड इट इज इट वाज अ रिलेशन बिटवीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट।